वेलकम टू एस एस सी मैथमेटिक्स सेंटर फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के इस वीडियो में हम एस एस सी सी एच एस एल 2016 प्री का 19 जैन 2017 शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हम इस पेपर के मैथ्स का पार्ट कवर करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं इस पेपर का पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ गया। वो क्या कह रहा है हमारे से, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 4-6 इन द ओरिजिन इज। ओके फ्रेंड्स, ऐसे स्थिति में हमें कुछ भी नहीं करना। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन का अप्रोच मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी बार बता रखा है, मगर मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। अभी हमें एक बार देख लेना है कि हमारा जो भी पॉइंट है वो है कहाँ पर। अभी हमारा पॉइंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जिसमें एक्स तो पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, यानी कि पॉइंट का यहाँ पे। अगर जब भी वो हमसे ओरिजिन में रिफ्लेक्शन के लिए पूछेगा ना, तो हमें उसको ठीक उसके अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में पहुँचा देना होगा। यानी कि उस अभी वो जिस क्वाड्रेंट में है उससे ठीक 180 डिग्री आगे वाले क्वाड्रेंट में हम पहुंचा देंगे उसको। यानी कि अभी अगर वो फोर्थ में है तो टू में पहुंच जाएगा, और अगर ये थर्ड में होता तो वन में पहुंच जाता, अगर वन में होता तो थर्ड में पहुंच जाता, और अगर टू में होता तो वो फोर्थ में पहुंच जाता। और अपने को मालूम ही है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -4 और 6। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको ये छोटा सा अप्रोच याद रखना है, पेपर में ये क्वेश्चन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ, पहले अपने को जो ये दो संख्या दे रखी है इसका व्युत्क्रमानुपात करना है, फिर उसको जोड़ना है, फिर जो आंसर आएगा उसका फिर से हमें व्युत्क्रमानुपात कर देना होगा। तो हमें एक बार डायरेक्ट इसको रेसिप्रोकल करके लिखते ही आ जाएगा, 9/2 + 10/7। यानी कि फ्रेंड्स, नीचे इसका एलसीएम 14 आएगा और ऊपर कुछ भी आएगा अपने को उससे मतलब नहीं है। यानी कि जो आंसर होगा ना उसके ऊपर 14 होना चाहिए। तो देख लो ऊपर 14 किस में, 14 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेपर में भी हमें इसको इसी अप्रोच से करना, अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में भी हम काफ़ी टाइम बर्बाद कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज वाई इंटरसेप्ट इज 4 एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन न्यू है, ये ऐसा क्वेश्चन अभी किसी भी सेट में एक बार भी नहीं आया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि आधे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कर करके शहीद हो जाएंगे, मगर आंसर गलत ही आएगा। उनको अभी तक जो अप्रोच पता है, अगर आप उससे करेंगे इसको तो आंसर गलत आएगा। तो हम देख लेते हैं इसको करने का तरीका क्या होगा। फ्रेंड्स, अपने को एक फॉर्मूला मालूम होता है, y = mx + c। फ्रेंड्स, इसमें ये जो c होता है ना, c ये एक्चुअल में y का इंटरसेप्ट होता है, जो y इंटरसेप्ट दे रखा है ना 4, ये इस c की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अपने को मालूम चल गया इक्वेशन में c तो 4 आएगा। अब दे रखा है अपने को मेकिंग एन एंगल 45, और tan थीटा = स्लोप होता है ना, तो अपने को थीटा कितना रखा 45, तो m का मान कितना आ गया 1, क्योंकि tan 45 कितना होता है 1 आ गया। यानी कि इक्वेशन क्या आनी चाहिए, y = x + 4। ठीक है, ये 4 है, तो देख लेते हैं किससे आ रहा है y = x + 4, या फिर हम इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा x - y = -4, क्योंकि इसी टर्म्स में लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये वाला पॉइंट मालूम था तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान था, तो अभी हमारा आंसर आ जाएगा x - y = -4, तो ऑप्शन नंबर 4 सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। वो क्या कह रहा है हमारे से, अगला क्वेश्चन कह रहा है sin a - 2sin³/2cos³ - cos a। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाले पार्ट में से साइन कॉमन ले लेते हैं,
साइन ए कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। और नीचे वाले पार्ट में से कॉस कॉमन ले लेते हैं, कॉस तो नीचे का बच जाएगा 2 cos² a - 1। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि 1 माइनस 2 sin² a इज इक्वल टू होता है 2 cos² - 1। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है cos² - sin² का, ठीक है, सॉरी sin² - cos² का, sin² - cos² का फॉर्मूला होता है। तो इससे ये पार्ट कट गया, तो अपने हमारे पास क्या बचा, sin a / cos a विच इज इक्वल टू 10 a, तो आंसर आ जाएगा 10 a। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन इनइक्वलिटी से आ गया, अपने को इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो हमें इनइक्वलिटी दे रखी है, उन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे हम इसमें ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन बड़े पास पास दे रखे हैं, एक बार हम ऑप्शन टू पुट करके देख ले, ऑप्शन नंबर टू पुट करते हैं जो वैल्यू वन दे रखी है, देख लेते हैं क्या आता है। क्योंकि इनइक्वलिटी से तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, एक बार हम ऑप्शन से भी चेक कर लेते हैं। एक्स का मान हम 1 रख रहे हैं तो आ जाएगा 5 - 5 × 3 - 2 इज लेस देन 4 - 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 1 - 5 जीरो, इससे तो जीरो आ गया, तो जीरो इज लेस देन 3। एक साइड से ठीक है, दूसरी साइड भी देख लेते हैं, हम दूसरी साइड देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 1 इज लेस देन 2 + 2 यानी 3 इज लेस देन 4। दोनों ही फ्रेंड्स इक्वेशन ठीक है, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, यानी एक्स की वैल्यू 1 ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों से सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है, वो ये कह रहा है 533 BxAz / 41 AB, ये जेड है तो ए से ए शहीद हो गया, बी से बी शहीद हो गया, यानी कि बचेगा एक्स और जेड। अब एक ती तीन तीन भी आएगा, यानी कि जो भी आंसर होगा उसमें 3xz तो होगा आखिरी में, 3xz ए के ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन एलजेब्रा से है, क्या पूछ रहे हमसे, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 7 दे रखी है और एक्स वाई की वैल्यू 32 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² + y² फ्रेंड्स अपने को एक फॉर्मूला मालूम ही है a - b² का, वो क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, अपने को a - b का वैल्यू दे रखा है 7, तो अपने को उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 49 हो जाएगा, 49 इज इक्वल टू, अपने को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, -2ab, 2 × ab की वैल्यू 32 दे रखी है, × 32 तो 32 × 64, तो 64 + 49 इज इक्वल टू एक्स, और ये हो जाएगा 113, और एक्स क्या था, a² + b² का, आंसर आ गया 113। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे से, ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए होलसेलर सेल्स ए वॉच टू रिटेलर एट प्रॉफिट ऑफ 33%, द रिटेलर सेल्स इट टू कस्टमर एट ए लॉस ऑफ इतना, इफ द कस्टमर पेज 2181 रुपये तो होलसेलर ने कितने में खरीदा होगा। ये ऐसे क्वेश्चन में वो यही पूछता है कि एक को इतना प्रॉफिट हुआ, एक को इतना लॉस हो गया, तो जिसको प्रॉफिट हुआ उसने कितने पैसे में खरीदा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि देखो ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, तो हम इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अप्रोक्सीमेशन यूज़ करके बताऊँगा, क्योंकि अगर आप टू द पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी टाइम भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि अपने को देखो वैल्यू पॉइंट में दे रखी है, पॉइंट में आ गया मतलब दर्द बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन में, तो अपने को दर्द नहीं लेना, अपने को अप्रोच यूज़ करनी है छोटी सी। अब देखो 33 का अप्रोक्सीमेटली मान कितना होता है, 1/3, यानी कि आपको 3 रुपये के सामान में 1 रुपये का फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, यानी कि आपने बेचा कितने में होगा, 4/3 में, क्योंकि आपको 1 का फ़ायदा हो गया, तो मैंने 4/3 एक्स लिख दिया, चलो एक्स की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या हुआ था, यानी कि होल सेलर ने रिटेलर को 4/3 में बेचा होगा, गुणा कस्टमर को रिटेलर ने 20% लॉस में बेचा, यानी कि 4/5 में बेचा, ऑफ एक्स इज इक्वल टू
इतना ये आ गया 21। इसको मैं 2200 मान लेता हूँ, ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इंटू 15/4 × 16, तो अपने को एक्स निकालना है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि जो आंसर होगा ना वो 2200 से थोड़ा सा ही छोटा होगा। देखो डिवाइड करना है ये से, पॉइंट पॉइंट 93 टाइम्स जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 0.93 टाइम जाएगा, यानी कि 2200 से थोड़ा सा ही कम आंसर होगा। तो देख लेते 2200 से थोड़ा सा कम आंसर कौन सा है। एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसके अलावा ये तो ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये तो बहुत ही कम है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर बनती है, वह संख्या क्या है। ओके यानी कि जो भी संख्या है उसका गुणनफल, उसके डिजिट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 12 होगा, यानी कि 6 दूनी 12, इसका भी 12 है, 4 तीन 12, यही 12 है, 26, ये भी 12 है, 4 तीन 7, सारे 12 12 है। चलो खैर कोई बात नहीं। अब देखो फ्रेंड्स, अगर हम 62 में 36 जोड़ देंगे तो 90 के अप्रॉक्स आ जाएगा, 98 आ जाएगा, तो डिजिट चेंज नहीं हो रही, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर हम 34 में 26 जोड़ दें, इससे भी नहीं हो रहा। अगर हम 26 में 36 जोड़ दें, 6 6 12 1 62, यही है फ्रेंड्स। देखो 26 था, अब 62 हो गया, डिजिट इंटरचेंज हो गई, तो हमारा आंसर 26 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हमें करना कुछ नहीं था, देखना था कि प्रोडक्ट क्या आ रहा है और उसमें 36 जोड़ना था, हमने चेक करके देख लिया, तो ऑप्शन नंबर 3 आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे से, कॉसेक पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 3 इज इक्वल टू एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। कोई बात नहीं, कॉसेक 45 माइनस साइन 60 की वैल्यू निकालनी है। कॉसेक 45 क्या होता है, √2, और साइन 60 होता है √3/2, नीचे 2 आएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2, और कोई देखने की जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरा सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा, तो हमने देख के पता कर लिया क्या आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए मैन ट्रेवल्स 404 किलोमीटर्स इन पार्टली बाय रेल एंड स्टीमर, ही स्पेंड्स 10 आवर मोर देन ऑन स्टीमर, इफ द स्पीड ऑफ स्टीमर इज 30 किलोमीटर पर आवर एंड द वेलोसिटी ऑफ रेल इज 50 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर बाय स्टीमर। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी ने 404 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ भाग रेल से चला और कुछ भाग नाव से चला, सॉरी, और ये भी कह रहा है कि उसने नाव में 10 घंटे ज़्यादा सफ़र किया है ट्रेन से, और नाव की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेल की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब ये बोला गया है कि उसने नाव में 10 घंटे ज़्यादा सफ़र किया है, मतलब अगर 1 घंटे की रफ्तार 300 किलोमीटर है तो 10 घंटे में वो कितना चला जाएगा, 300 किलोमीटर कम से कम, इतना तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और पूछा गया है हाउ मच डिस्टेंस इज कवर बाय स्टीमर, तो भाई ऑप्शन देख लेते हैं, जो भी 300 से ज़्यादा वो आंसर हो जाएगा। अब देखो 407 तो टोटल डिस्टेंस से ज़्यादा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, आंसर अपने आप ही आ गया 339। खैर हमने ऑप्शन से ही पता कर लिया, ये एक ही ऑप्शन है जो 300 से ज़्यादा आ रहा है। वैसे अगर आपको पूरा मेथड देखना है तो मैं आपको थोड़ा सा मेथड बता देता हूँ, हमें करना क्या होगा। हमने मान लिया कि वो रेल से चला होगा एक्स टाइम, तो हमारे नाव से कितना चलेगा, x+10। ठीक है, अपने को मालूम है डिस्टेंस का, डिस्टेंस होता है स्पीड गुना टाइम, तो 30 × x+10, क्योंकि 30 तो रेल की, सॉरी नाव की गति है और समय उसका x+10 घंटे, +50x=404। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, और फिर अपने को x की वैल्यू इस इक्वेशन रखेंगे, आंसर आ जाएगा। मगर इतना सॉल्व करने का टाइम पेपर में होगा नहीं, आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि हम कैसे जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1/sec इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्स। फ्रेंड्स हम सीधा
एंगल की वैल्यू मान लेते हैं, हम एंगल को 60 ले लेते हैं, ठीक है। तो sec 60 कितना होता है? sec 60 होता है 1/2, मगर यहाँ पे स्क्वायर है, तो 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, एक बटे दो, ओके, इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/4। एक सेकेंड, sec स्क्वायर ए का मान 1/2 नहीं, 2 होता है, क्योंकि 1/2 तो cos का होता है और cos जो है वो sec का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3/2, ठीक है। हमने थीटा कितना माना है? थीटा हमने 60 माना है, तो देख लो थीटा का मान 60 रखने पे अंडर रूट 3/2 साइन से आता है, क्योंकि साइन 60 अंडर रूट 3/2 होता है। तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक ठोस समकोण वृत्ताकार शंकु को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन के अंदर डाल दिया जाता है। बेलनाकार बर्तन को पूरी तरह भरने के लिए घन में कितना पानी की आवश्यकता और पड़ेगी? ओके, पहले हम अगर आयतन निकाल लेते हैं इस उसका कोन का, शंकु का, वो क्या होता है? 1/3 πr², ठीक है। मैं अभी पाए का मान 3 ले लूँगा, क्योंकि ऑप्शन सारे बहुत दूर दूर हैं, अप्रोक्सीमेशन से भी हमारा इजीली काम आ जाएगा। तो मैं पाए से आराम से कट गया 1/3, क्योंकि मैं पाए की वैल्यू 3 ही मानूंगा। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर देखा, 4 × 16, 16 × 7, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया हमारा इसका कोन का, कोन का। अब हमें वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, क्योंकि जितना भी सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उससे ये घटा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। और अपने को मालूम ही है कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? πr². पाई का मान 3, आर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और हाइट है 8, तो ये 600 आ गया, क्योंकि 25 × 2 से 2 होती है 600। अब 16 से 42, 112। अगर हम 6 में से 112 घटाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 500 आ जाएगा, 480 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, जो इसके आसपास है, क्योंकि हमने पाई की वैल्यू 3.3 लिए, जबकि 3.14 होती थोड़ी ज़्यादा आएगी। तो हम इजीली अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करके आंसर तक पहुँच सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मैं आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी फॉर्मूले से नहीं बताने वाला, आपको मैं अप्रोच बताने वाला हूँ, तो क्या आप पेपर में इस क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर दो। यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार 24,200 है, 26,620 है, तो ब्याज दर कितनी होगी? फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा 3 साल की बात हो रही है, अपने को दूसरे साल में जो पैसा मिला वो मिला 24,200, तीसरे साल जो पैसा मिला वो 26,620 है। पहले साल भी कुछ पैसा मिला होगा, ठीक है, और कुछ प्रिंसिपल होगा। मैं इनके जीरो को काट देता हूँ, पॉइंट आ जाएगा, और इसको 2 से भाग करता हूँ, ये हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा 133.1, ठीक है। ये मिला दूसरे साल, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअल में से बड़ा कितना कितना बढ़ गया, 133.1 माइनस 121, 12.1 बढ़ गया, यानी कि, और ये है कितना? ये इसका 10% है, जो 121 का 10% ही होता है 12.1, तो आंसर आ गया 10%, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अपने को परसेंटेज ही कैलकुलेट करना था, जो कि इजीली आ गया।
दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 50 और 80% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन। तीसरी संख्या मान लो 100 है, तो पहली संख्या कितनी होगी? 50, और दूसरी संख्या 20 होगी। पहली, दूसरी, तीसरी, क्योंकि पहली संख्या तीसरी से 50% कम थी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 80% कम थी। अब अपने को क्या करना है, दूसरी संख्या को बढ़ाना है इतना कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20 है, उसको 50 बनाना है, तो 30 बढ़ाना पड़ेगा। कितने पे? 20 पे। तो 30/20 गुणा 100 कितना होता है? 150% आंसर आ गया, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। हमसे ये पूछ रहा है, मनोज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 42 आवर्स इफ ही जॉइंड बाय जयश्री हु इज 100% मोर एफिशिएंट, इन व्हाट टाइम दे विल फिनिश द वर्क टुगेदर। मनोज किसी काम को 42 दिन में कर सकता है। अब उस काम को उसके साथ करने के लिए जयश्री आएगी जो उससे डबल एफिशिएंट है, 100% मतलब डबल एफिशिएंट है। और अगर कोई किसी से डबल एफिशिएंट हो तो काम करने का समय आधा हो जाएगा। तो अगर ये काम अकेले जयश्री करेगी तो उसको 21 दिन लगेंगे, क्योंकि मनोज को 42 लगते हैं, तो जयश्री को अकेले आधे दिन लगेंगे। भाई दोनों साथ में काम कर रहे हैं, एम प्लस ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो जब अपने को दोनों के इंडिविजुअल डेज मालूम है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को एलसीएम निकालना होगा। और एलसीएम आ जाएगा 42, और ये एलसीएम काम करेगा टोटल वर्क की तरह। ठीक है, अब मनोज 42 काम 42 दिन में करता है, तो 1 दिन में काम करेगा। अब और ये जो जयश्री है वो 42 काम 21 दिन में करती है, मतलब 1 दिन में 2 काम करेगी। अब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो 1 दिन में 3 काम हो जाएगा, और टोटल काम है कितना? 42। तो टाइम हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 14। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर थर्ड, 14 दे 42 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमसे क्या किया जा रहा है, द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 1:3, व्हाट इज द मेजर ऑफ द बिगेस्ट एंगल। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180, और उनका रेशियो दे रखा है, यानी कि x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180, और ये हो कितना गया? 4, तो 6, 6 x का मान आ गया 180, तो x का मान आ गया 30। निकालना क्या है? बिगेस्ट एंगल यानी 3x निकालना है। 3 × 30 बराबर 90 आंसर आ गया, 90 ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन एवरेज से है। मैं इसका भी आपको बहुत ही अच्छा अप्रोच बताऊंगा अभी, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी और क्वेश्चन विद इन 3 to 4 सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, द एवरेज रेवेन्यू ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स इन कंपनी 70 लाख। ठीक है, 13 साल का 70 लाख था, और ये कह रहे कि पहले 7 साल का 65 लाख था, पहले 7 साल का 65 लाख था, और आखिरी के 7 साल का 77 लाख था। आखिरी के 7 साल का 77 था, तो 7वें साल का कितना होगा? ठीक है, 7th ईयर का कितना होगा? हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस यूनिट प्लेस के नंबर्स का याद रखना। हमें ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, हमें जो भी वैल्यू टोटल दे रखी होती है ना, इसका प्रोडक्ट करके इन दोनों के सम से माइनस करना होता है, वो हमारा आंसर आ जाता है। यानी कि अपने को ऐसे कुछ करना होगा, 13 × 70 बराबर 7 × 65 ये भी नहीं आएगा, और 7 × 77 इससे जो आ जाएगा प्लस करके उसको हमें इससे माइनस करना पड़ेगा, 13 × 77 से वो हमारा आंसर आ जाएगा। मगर ये देखो कैलकुलेशन कितनी है, इतना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको एक शॉर्टेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ, हमें बस क्या करना है, यूनिट करना तो हमें भी यही है बस, हम अगर हम यूनिट डिजिट पे काम करेंगे पूरा नहीं देखेंगे। देखो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 25, 7 × 5 = 35, यानी कि 35 का 5 ले लिया, 20 में प्लस आएगा, प्लस 77 × 49। ठीक है, इनका आ रहा है 9, 9, और अपने को लाना है कितना, अपने को 0 लाना है, कि 13 × 7 = 0, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 9 और 5, 9 और 5 14 होते हैं, 14 यानी 10 से कितना ज़्यादा है? 4, यानी कि जो भी आंसर होगा ना उसमें आखिर में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में है दूसरा। ठीक है,
इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी आप पूरे मेथड से भी कर सकते हैं, अब आपके ऊपर है, आपको अप्रोच तक और पता लग गई है। प्रॉफिट ऑफ ₹1,44,000 हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्टनर्स अक्रम बिपिन चिंतन इन रेशियो इतना। व्हाट इज चिंतन, हाउ मच चिंतन गेट्स, ठीक है। इतने रुपए हैं, हम इसको 144 रुपीस मान लेते हैं, ठीक है। और तीन पार्टनर्स है, निकालना किसका, चिंतन का। चिंतन का भाग है 7, 7/7, 3 × 2 = 12, 12 = 84। एक आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुछ भी नहीं करना था, 7/ इनका टोटल सम गुणा जो भी उनका पैसा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 84 आ गया। और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ गया ज्योमेट्री का। एरिया ऑफ डैश इक्वल्स हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। काइट की प्रॉपर्टी है फ्रेंड जी, अगर आपको प्रॉपर्टी पता तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना छोड़ना पड़ेगा। हाफ d1 d2 होता है एरिया ऑफ काइट का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, द कॉस्ट ऑफ डेली टिकट ऑफ लोकल ट्रेन इज ₹50 एंड मंथली पास कॉस्ट 1125 रुपये। इफ आई बाय मंथली पास एंड ओवर 30 डेज तो मेरी बचत कितनी होगी। अगर वो डेली टिकट खरीदता तो कितने की टिकट खरीद लेता, 1500 रुपये की, ठीक है। मगर उसने पास कितना खरीद लिया, 1125 रुपये का, तो उसके पैसे कितने बच गए, 375, ठीक है। कितने पे, 1125 पे, नहीं 1125 पे नहीं, 1500 पे। वो तो पैसे बचाने की बात कर रहा है ना। ₹200 डिवाइड तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15, 20 से ज़्यादा 25 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, 25%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब ये पूछेगा कि किसका वेट हाइट का रेशियो सबसे लीस्ट है। फ्रेंड, इस क्वेश्चन करने का सबसे छोटा तरीका यही है कि जिसका सबसे कम वेट होता है ना वही आंसर होता है। तो सबसे कम वेट किसका है, अप्सरा का है, तो इसका आंसर अप्सरा ही हो जाएगा, ठीक है। अप्सरा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में What was the revenue of the company if its expenditure was ₹525 crore in the year when its profit was least? अब ये बता रखा है कि जिस वर्ष कंपनी को सबसे कम फायदा हुआ था उस साल उनका जो खर्चा था ना वो 525 करोड़ था जो उन्होंने व्यय किया था, तो उन्होंने उस साल पैसा कितना कमाया होगा, प्रॉफिट कितना हुआ होगा। तो देखो सबसे कम प्रॉफिट है कितना, 5%, यानी कि इसी में बात हो रही है। और इस साल क्या था, इस साल इन्होंने पैसा लगाया था 525, अब 525 का 5% कितना होगा, 525 का 10% होगा 52.5, और इसका ब्याज कितना होगा, लगभग 26,000, तो इसमें 26 जोड़ दो तो 551 के अप्रॉक्स जो भी आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा, 551 के पास। अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्योंकि अभी पूरा ऑप्शन देख नहीं रहे। बिल्कुल फ्रेंड्स, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4, 551 के पास ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर हाउस। ओके,
यहाँ पे बच्चे दे रखे हैं, यहाँ पे घर दे रखे हैं, 7 घरों में बच्चे थे नहीं, यानी 0 बच्चे। बहुत बढ़िया, 7 घरों में एक ही बच्चे थे, यानी कि कितने बच्चे होंगे 7। 13 घरों में दो दो बच्चे थे, यानी 13 दूनी 26। 3 घरों में तीन तीन बच्चे थे, ओहो 3 3 9। अब इनको हमें ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा, 42 हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर हाउस। अभी अगर घर गिन लेते हैं, घर कितने हो जाएंगे, घर हो जाएंगे 20 30 30 हो गए। तो 42 बटे 30, 30 कितनी बार, ये गया 6 5 30 7, 1.4 आंसर आ जाएगा। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, 1.4 है क्या? बिल्कुल है, 1.4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें कुछ लोग दे रखे हैं, आनंद, बासु, चिन्मय, धीरज, एजाज, और इन सब के पास कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैं। टोटल शेयर्स का जो वैल्यू है वो 6 लाख दे रखा है, ठीक है? तो मैं इसको 600 मान लेता, तो 3 0 ख़त्म कर देता हूँ ताकि झंझट ही ख़त्म हो जाए पूरा 0 0 का। तो यहाँ से भी 3 0 हटा देते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन में बात किसकी किसकी हो रही है, चिन्मय की और धीरज की। तो देख लेते हैं, धीरज और चिन्मय, ठीक है? चिन्मय के पास टोटल शेयर कितने हैं, 25%। किसके, 600 के, तो 600 का 25% कितना हो गया, 150, ठीक है? चिन्मय पे 150 शेयर है और धीरज पे कितने, 120 ही हैं, ठीक? गरीब है बेचारा। अब चिन्मय ने 150 में से 15 शेयर बेच दिए, किसको, धीरज को बेच दिए, तो इसके हो गए 135। 3 0 लगा दो, ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन इंग्लिश आ गया, यानी कि ये आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन था। होपफुली फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, जहाँ जहाँ आग लगा सकते हैं आग लगा दें, ठीक है फ्रेंड्स? मिलेंगे अगली वीडियो में, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट।